दो हॉटी बॉय से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जो हॉटी नंबर वन हॉटी नंबर टू जो हॉटी नंबर थ्री ब्रो, आई डोंट नो जो बहुत ही बेकाबू हैं अपने काम को लेकर, अपनी दोस्ती को लेकर। अगर किसी से दोस्ती करते हैं तो बेकाबू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि कितना बेकाबू हो जाते हैं आप, किन किन चीजों के लिए बेकाबू हो जाते हैं? तुषार आप जाइए, तुषार आपसे बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। मैं काम को लेके काफी बेकाबू हूँ, मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था और मैं अब एक्टर बन गया हूँ, तो बिल्कुल हर दिन बेकाबू होता हूँ। मैं हर दिन डांस करते हुए उठता हूँ, डांस करते हुए सोता हूँ, पूरा दिन बहुत खुश रहता हूँ और बेकाबू। पूरा दिन खुश रहते हैं यार, ये तो काश मैं हो सकता, पूरा दिन खुश मैं भी रह सकता। तू तो एनलाइट हो गया। मैं तो बस मैं अपनी लाइफ को लेके काफी बेकाबू हूँ एंड खुश हूँ। एंड इनसे मुलाकात करके सेट पे मैं अपने को एक्टर से मिला, डायरेक्टर से मिला, सारी टीम से मिला, क्रू से मिला, आज इनसे मिला, तो मैं इनके लिए भी बेकाबू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए भी अब पूरी जिंदगी भर बेकाबू रहूंगा। पता नहीं क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं आप लोगों के लिए बेकाबू नहीं हूँ। ओके, नो थैंक यू। ओके, नहीं नहीं, पर मैं एक बात बताऊँ, तुषार भाई को मैं हम सेट पे मिले और हमारी बॉन्डिंग ऐसे बहुत ही जल्द हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत कम होता है अक्सर लोगों को, क्या बोलता है, उनका खुद का ईगो, उनका खुद का अपब्रिंगिंग जो भी है, पर ऐसा नहीं था हमारे बीच। हमारे हम भी नहीं और ना ही स्मरण और ना ही ताहिर, यानी हम ऑल द गाइज वर लाइक ऑलवेज ब्रोक आउट मैन। So we loved each other on the set. I think it was great. एक सीन तो ऐसा हुआ, मैं और तुषार का ऐसा सीरियस वाला सीन चल रहा था, ठीक है, मैं गुस्से से आ रहा था और तुषार ऐसे भोला बन के उठता है, ठीक है, और वहाँ पे कारपेट बिछी हुई थी और मैं ऐसे गुस्से में फिसल के मैं गिर गया। oh, really? और वो मूड पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हमारे DOP साहब जो है अर्जुन सौर थे, वो जब भी एक्शन बोलते थे ना, वो जैसे ही मैं एंटर होने वाला था, वो हंसना शुरू कर दिए, हमारे सीन खराब कर दिया। 20 मिनट का ब्रेक लिया हमने उस टाइम पे, और वो रात के चार बजे थे। तो उस टाइम पे मैं बेकाबू की भाई पैकअप कब होगा, ऑलरेडी 12-14 घंटे हो गए थे और आपने उन्हें भी बेकाबू कर, हमने उनको भी बेकाबू कर दिया। क्या बात है। सो अगर बताइए कि किन किन कौन कौन सी चीजों को लेकर बेकाबू हो जाते हैं? जैसे एक तो दोस्ती है, मैंने आपको देखा है, आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह से आप, मतलब आप, मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ आपका रिप्लाई हर बार आता है। सो क्या बट इसके साथ ऐसा नहीं है, ताहा वाज ऑलवेज वेरी जेनरस, बहुत दोस्ती को लेके, जैसे आप बता रहे बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, इतने अच्छे से मुझे मिला है वो इंसान। लाइक आई हैव सीन हिज वर्क यार, मैं इसकी पहली मूवी जो आई थी मैं स्कूल में था यार, मैंने देखी थी, और एंड तभी से मैं आई थिंक आई नो हिम सिंस देन एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस देन। तो मेरे लिए मतलब था कि अगर इतना मतलब बड़ा एक्टर मेरे को आगे इस तरह से मिल रहा है तो यार मैं कौन, मैं कैसे एटीट्यूड रख सकता हूँ। तो वो एक बात भी है कि ये खुद ही इतनी अच्छी इन्होंने मुझे एनर्जी दी थी कि मैं ऑटोमेटिकली मैं तो खाली एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता हूं। ब्रो कोड, ब्रो कोड, क्या बात है। अच्छा नहीं भाई, बट थैंक यू आई रियली अप्रिशिएट ब्रदर, आई रियली अप्रिशिएट द लव। हां जी, हम पैसे इसके मतलब काफी सारे पैसे मिले भाई, बात नहीं सीक्रेट मत बताना, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा। ओके, हां जी, पर अगेन हम किसी दुनिया में चले जाते हैं, किन-किन चीजों पर बेकाबू हो जाते हैं? किस चीज का? मैं जब पूरे दिन में ना, अगर मैं 3 घंटे अगर मैं अपने कोई या तो डांस हो या तो एक्रोबैटिक्स हो या तो कुछ हो जो मैं सीख रहा हूँ कुछ, उसमें अगर मैं इन्वेस्ट ना करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दिन में कुछ हासिल नहीं किया। जितना भी काम कर लूँ, मैं मीटिंग्स कर लूँ, नरेशन कर लूँ, पर अगर मैंने मेहनत नहीं किया ना अपने हाथों से, तो फिर मुझे लगता है कि पसीना नहीं बहाया, थक नहीं गया, ऐसा लगता है कि मैंने काम नहीं किया। मजदूर आदमी है। हाँ, एग्जैक्ट। मैं अपने आप को मजदूरी बोलता हूँ। नहीं, हम भी मजदूर हैं। ये काफी कॉमन चीज है हम दोनों में। एक्चुअली वो पहले दिन ही हमें समझ में आ गया था, बिकॉज़ मैं इसको गोवा में फर्स्ट टाइम एक बार मिला, तो ये पूरा वर्कआउट करके आ रहा है और मैं भी वर्कआउट करके आ रहा था। एंड हम लोग ऑब्वियसली रात भर शूट भी कर रहे हैं, तो सोने को भी नहीं मिल रहा, तो वर्कआउट का टाइम तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये काफी मुझे लगा उस टाइम मेहनती, और मुझे लगा ये मेरे जैसा एक आप दिमाग से भी तेज हो जाते हैं और बॉडी भी तेज हो जाती है आपकी, वो आप अलाइव हो जाते हो।
तो इसलिए उस चीज़ के लिए मैं बहुत बेकाबू होता हूँ. और ना मैं अपने मम्मी के खाने का बहुत बेकाबू होता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर रहती नहीं है ना. हाँ. वो दुबई में रहती है, तो जब वो आती हाँ. है तो जब भी वो डाइट पे भी होता हूँ तो मैं चीट कर लेता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं. हाँ, मम्मा के साथ तो सब कुछ चलता है, बिल्कुल माँ माँ होती है. तो कौन कौन सी चीज़ों का इंतज़ार रहता है कि माँ भेजे, लाइक उनके उनके हाथ का बनाया हुआ क्या खाने में आप बेकाबू? कुछ नहीं आता भाई, तेरे को आता है मामा का? खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं फूडी बहुत बड़ा हूं. नहीं, मम्मा भेजती है, तेरी मम्मी भेजती है, उनकी कॉल करती है दिन में कुछ 100 बार. एंड मैं अपने मम्मास बॉय हूं, प्राउड मी टू आई थिंक. ये भी है जितना मैं जानता हूं. एंड मैं अपनी मॉम से हर चीज शेयर करता हूं. आई डोंट नो, काफी सारे लोग मतलब देखते हैं उस तरीके से कि बट आई एम लाइक आई नीड टू टॉक टू माई मदर ऑल द टाइम. लाइक शी नो, उनको सब जानना चाहिए. लाइक मैं ओनली चाइल्ड हूँ, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है उसको मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. तो ऑब्वियसली उनके खाने की, जैसे मैंने बात करी, मुझे भूख ही लग गई और मुझे परांठे याद आ गए घर के. तो या आई थिंक काफ़ी सिमिलैरिटीज है. दैट्स व्हाई देखो, मतलब सेम ही एक लेवल पे फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो उसमें दोस्ती ऐसे हो जाती है. एग्जैक्टली, मुझे तो नहीं भेजती भाई मेरी मम्मा. वो जब आती, जब आती है तो बैग पूरा डब्बे में, डब्बे के बाद नहीं, कार्टन की बात कर रहा हूँ. कार्टन खाना आता है सैलमन का, ये का दुबई से, तो तब वो लेकर आती है. नेक्स्ट टाइम आएगा ना यार, मेरे को एक मैसेज कर देना. हाँ हाँ, मुझे भी कर देना भाई, बुला लूंगा तब. ले ले भाई, तू भी आ जा भाई, पार्टी करेंगे, सैलमन पार्टी. बिल्कुल बिल्कुल. सो पराठे मंगाए जाए? पराठे मंगाए जाए, मैं तो बोलता हूँ इसके लिए मंगाया जाए. नहीं, मेरे लिए केला काफी है, मैं केला खाऊंगा. अभी डाइट पे हूं, कॉफी चलेगी. जी जी जी, बिल्कुल कॉफ़ी मिलेगी आपको इंटरव्यू के बाद. थोड़ा सा अगर आप बता सके कि लाइक कैसा रहा शूटिंग के सेट का एक्सपीरियंस? ऐसे आप लोग की बॉन्डिंग तो बहुत हमें देखने को मिल रही है. सेट पर क्या, कैसा माहौल होता था? सेट पर मैं बहुत गुस्सा होता था. अच्छा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वही तो मैं कहूँ कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं. एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इसका ये नहीं था. उस दिन हम लोग सेंट रिजन में शूट कर रहे थे, ठीक है, और 3 बजे मेरा शॉट खत्म हो गया. उन्होंने बोला भाई एक और सीन है, वो अभी कर लेंगे आधे घंटे में. बोला सर ठीक है. तो मैं रूम में गया, मैं बैठा, ठीक है, 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, 3 घंटा चला गया, 6 बज गए. बोला चलो अभी थोड़ा नैप कर लेते. तो मैं सोने के लिए गया, मुझे नींद आ गई ऐसे, ठीक है. आधे घंटे में हमारे भाई आते हैं, बोलते भाई तेरा पैकअप है, ठीक है. तब नहीं बोला, बोल रहे चलो ठीक है, वो भी ठीक है. हम निकले, निकलने के बाद मैं सेंट रिजिस से हाईवे तक पहुंच गया ऑलमोस्ट. फिर वो बोलते भाई वो एक और सीन आ जाना वापस. मैं बोला भाई अभी वापस बुला रहे. फिर मैं बोला, मैं लड़ा, मैं बहुत गुस्सा हुआ. नहीं नहीं, वहां पर कैसे बेकाबू हो गया तो बताइए आप जरा. मैं बेकाबू, मैं ऐसा मैं बोला कि भाई मैं तेरा खून पी जाऊंगा ऐसा. पर क्या करें, अभी काम है, भगवान है. तो गुस्सा आप कितना भी कर लो, पर स्क्रीन पर नहीं दिखता ना वो सब, आपका काम दिखता है. तो मैं बोला चलो भाई ठीक है, मैं आ जाता हूँ. फिर मैं वापस मुड़ के गया वापस. फिर मैं इतना, मैं उसको देख रहा था ऐसे, मैं घूर घूर के वैसे, मैं तो उसको मैं देख रहा था, तू देख. पर उसके बाद सीन खत्म हो गई, फिर घर चले गए, हो गया. नेक्स्ट डे दिन रात गई, बात गई, रात गई बात गई. आप अगर कुछ बता सके. मेरा सेट का एक्सपीरियंस एक्चुअली, मैं सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, बट जेन्युइनली मैंने इससे पहले जहाँ पर भी काम किया है, जो ये क्रू है, डायरेक्शन टीम है, टू द प्रोडक्शन हाउस, टू द एंटायर कास्ट, एवरी वन इतने ज़्यादा स्वीट थे. मेरे को तो पहले दिन जाके मैंने अपने घर पे फ़ोन करके लोगों को बोला, इतने अच्छे लोग हैं यार, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल, अंडरस्टैंडिंग लोग, एवरीबॉडी जितने भी थे वहाँ पे, मैं सच बता रहा हूँ. सिवाय मेरे, मैं बालाजी के साथ फर्स्ट टाइम काम किया है, एंड मैंने काफ़ी सुना है उनके बारे में, लाइक किस तरह से काम करते हैं, और कभी कुछ गलत भी सुना है, अच्छा भी सुना है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सुपर. मुझे लगता है सही गलत तो हर प्रोडक्शन, बट इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे हमारे ईपी, आदित्य हमारे ईपी थे, बहुत बहुत ही बढ़िया. मतलब लाइक बिकॉज मेरा ना जो किरदार था उसको एक वो बॉडी दिखा रहा है, वो डांसर प्ले कर रहा है, शौर्य का कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे एक वर्कआउट का टाइम 1 घंटा दिन में चाहिए होता था. हम 16-18 घंटे काम कर रहे होते थे, तो वो मेक श्योर करता था कि कहीं ना कहीं से वो 1 घंटा मुझे कभी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके मिल जाए. सो वो उनका काम नहीं है वैसे, बट वो फिर भी आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए हेल्प करते थे. टू आरम सर हमारे जो डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत करी है मेरे कैरेक्टर पे, क्योंकि बहुत लेयर्स हैं उसके, उसका एक साइकोनेस साइड है, और बहुत सारे उसके अंदर ना लेयर्स में काम करते हैं. तो डायरेक्टर ने
बहुत हेल्प करी यार, मतलब मैंने अगर हजार क्वेश्चन पूछे होंगे उन्होंने उन हजारों का जवाब दिया है, एक बार भी उन्होंने झिझक नहीं करी उसका मतलब आंसर करने के लिए। तो मतलब सब लोग जितने भी थे हम मस्ती करते थे, जो भी करते थे वहाँ पे, अगर लड़ाई होती थी या दोस्ती करते थे, सबका एंड रिजल्ट जो था वो प्रोडक्ट के लिए, दैट इन द एंड ऑफ द डे हमारा जो वेब सीरीज है, जो प्रोडक्ट है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक्शन और कट के बीच में ईमानदारी से आई थिंक सबने काम किया, आई थिंक एवरीबॉडी। इन दौरान एकता जी से भी मुलाकात हुई शूटिंग या? मैं तो नहीं मिला अभी एकता नाम से, आई विश कि जल्दी मिलेंगे आप, सक्सेस पार्टी में मिलेंगे ना, सक्सेस पार्टी में जरूर मिलेंगे, आप लोग करेंगे इसको सक्सेस, बेकाबू 2 आज मार्च 15 स्ट्रीमिंग एट 7:30, प्लीज चेक इट आउट, मेक इट हाई। और अकेले बैठ के सबके साथ, तो क्या पहली मुलाकात में आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनका हाथ पकड़ के उनको पहले थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतना बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इधर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का, और इतना अच्छा कैरेक्टर दिया आपने, और आपने मुझे एक टाइटल दे दिया ग्रीक गॉड का, जो मैं मैं शायद बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हूँ, मैं सोच सोच के जिम जा रहा हूँ, तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच एकता मैम। सैलड, ग्रीक सैलड खा गया, ग्रीक गॉड बना दिया, सो या बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो एकता जी से यानी काफ़ी साल हो गए इंडस्ट्री में, तो काफ़ी यानी इधर उधर मिले हम इवेंट्स में ये वो, पर इस बार जब मिलूँगा तो मैं काफ़ी सालों से मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे भी काफ़ी ऐसे मौके दिए थे, पर मैं एक बार तो मैं फंस गया, पिछले साल भी मुझे एक लीड मिला था आल बालाजी के साथ, हक से जो था, तो उसमें मुझे लीड मिला था सीज़न 2 में वो भी, पर वो शो बंद हो गई तो इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, तो इस बार मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, और इंशाल्लाह ये हमारी सिर्फ हमारी फर्स्ट वेब शो है और बहुत सारी आने वाली है। बिल्कुल इंशाल्लाह कि जल्दी होगा, आई थिंक आप दोनों की ऐसी कोई बॉन्डिंग भी ऐसे हमें कोई जल्दी देखने को मिलेगी। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो एकता जी अगर आप क्या बात है, सो एकता जी आप सुन रही हैं, तो जल्दी इन्हें कुछ ब्रोमांस, नहीं नहीं हो गया है इसमें, इसमें हो गया ना ब्रोमांस, इसमें ब्रोमांस इसमें सब हो गया। ओ क्या बात है, फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ही घंटे में स्ट्रीमिंग होने वाली है बेकाबू सीजन 2, डोंट मिस दिस, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग थ्रिलिंग रोमांटिक फिल्ड विद बिट्रेयल रिवेंज sweetness and a lot of infamous activity, so please take out some time, watch our series, it is going to keep you at the edge. Jo bhi unne bola main hindi mein bol deta hu ek baar, bilkul bilkul bilkul, darshak ke liye ke alt ki subscription le lijiyega aur kitne ki show dekh lijiyega 1 year ke liye, agar aap nahi le rahe hain hum aapko gift bhi kar denge hamari pehli series iski, iska number hai 9892 और रिव्यूज भी छोड़िए इंशाल्लाह, अगर आप लोग ने बहुत अच्छे रिव्यूज छोड़े तो हम सबको एक और सीजन बनाने का मौका मिलेगा, या तो थैंक यू, आई विश कि सीजन 3 भी में देखने का मौका मिलेगा। I hope so. Thank you, G. Thank you. Thank you so much. Thank you, bhai. And good luck. Thank you so much.